Good morning, students. Today my topic is preposition. What is the preposition? Preposition is a word which appears before the noun and pronoun, and to show the relationship between the noun, pronoun, and the other words is called preposition. How many types of the preposition? Preposition, the three types. Preposition. First of all, the preposition of time, and preposition of place, and preposition of direction. In previous class, we talked about the preposition of time. हम preposition of time की विषय हम लोगों ने बातें किया और उसका टॉपिक अभी चल ही रहा है. तो मैंने on time और in time, इस on और in का यूज मैंने आपको इसके पहले बताया. तो मैंने आज थोड़ा सा मैं आपको on और in के विषय में बताना चाहूंगा कि on time और in time में अंतर क्या होता है. What is the difference between on and in? On time is indicate at the right time. बिल्कुल सिंपल सा है. On time जो है बिल्कुल इसका मतलब है at the right time. And in time means early enough. Means बहुत पहले. Before time means समय के पहले. तो ये दोनों अंतर है. On का मतलब होता है on time, का मतलब होता है at the right time, और before का मतलब होता है early. Early enough means बहुत पहले. And today now I am going to learn about the use of at. At का यूज हम कहाँ करते हैं आज हमें सीखें. First of all, the at is indicate about the definite point of time and indefinite point of time. तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल डेफिनेट ऑफ टाइम के दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के दिए हैं. At 10 o'clock, that is a definite point of time. आपको एक डेफिनेट पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है 10. At midnight, रात को, यहाँ पे आपको सिचुएशन दे रहा है रात का समय, अंधेरा का समय. And at the moment, that is the definite point of time. And what is the indefinite point of time? जिसमें कि कोई भी actual या फिर कह सकते हैं बिल्कुल definite time का mention न किया गया हो. At Holi, at night, at Nowruz, ये सभी indefinite टाइम में आते हैं, इंडिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर. एंड सेकेंडली द यूज ऑफ बाय. व्हाट इज द यूज ऑफ बाय? एंड बाय इंडिकेट ऑलवेज नॉट लेटर देन. इसका मतलब क्या होता है? नॉट लेटर देन मींस इससे ज्यादा नहीं. नॉट लेटर देन मींस व्हेन द एक्शन हैज बीन डन एट द राइट टाइम वी मेंशन इन द प्रीपोजिशन बाय. बाय 5 PM, 5 PM तक यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे बिल्कुल हम एक्चुअल समय दिखाते हैं कि इस समय तक काम हो जाएगा. बाय 5 PM बाय द एंड ऑफ दिस वीक मींस इस वीक के लास्ट तक. इस तरह से बाय जो है क्या करता है? इंडिकेट करता है नॉट लेटर देन. मतलब ये नॉट लेटर देन मतलब ये किसी कार्य को समय तक, समय राइट टाइम पे करने के लिए इंडिकेट करता है. यूज ऑफ फॉर. फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं? फॉर का यूज हम करते हैं लेंथ ऑफ एक्शन. ये क्या शो करता है? यूज ऑफ फॉर शो अबाउट द लेंथ ऑफ एक्शन मीन्स हाउ लॉन्ग फॉर द एक्शन मीन्स समय एक्शन किया जा रहा है तो कितना लंबा है, कितना समय इस चीज को इसके द्वारा किस कंप्लीशन के द्वारा इंडिकेट करते हैं फॉर. एग्जाम्पल मिसेज शारदा हैज स्टॉप इन दिस स्कूल फॉर 15 इयर्स. मिसेज शारदा जो है उस स्कूल में उन्होंने पढ़ाया है स्कूल फॉर 15 इयर्स मीन्स 15 साल से. तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग टाइम को शो करते हैं. जब हम लॉन्ग टाइम को शो करते हैं एंड लेंथ ऑफ एक्शन को शो करते हैं तो वहां पे हम जो है वो इसका यूज करेंगे वो फॉर का यूज. एंड सेकेंड मीरा हैज बीन सिक फॉर ए वीक. मीरा हैज बीन सिक फॉर ए वीक. यहाँ पे भी हमने प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया गया है क्योंकि इट इंडिकेट द लेंथ ऑफ एक्शन मीन्स ये एक्शन किया गया है हाउ लॉन्ग फॉर एक्शन मीन्स वो कितना लंबा एक्शन है. तो इससे हमेशा इस चीज को इंडिकेट किया जाता है कि अबाउट द लेंथ ऑफ एक्शन मीन्स एक्शन कितना लंबा. ओके नाउ थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट
above the into and there are so many prepositions which I will tell you in the next video. Okay.